एक भारत की बेटी को आज पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकोड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। आज हम रोजगार अगर डॉक्टर रितु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पे भी एफआईआर हो जा रही है मेरे पे। और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं, उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है, मेरा विकास कहाँ है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूँ, और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकौड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकौड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है, ये डरे हुए हैं। तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है, ईवीएम खेल खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो ईवीएम से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का, कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, कि सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं, आइए ना इस रेहड़ी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो हुआ ना 70 सालों में हुआ, हम लोगों ने जो किया वो 70 सालों में किया, हम लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी 70 सालों में, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें आज आवाज उठनी उठाने दिया जा रहा। आज हम रोजगार अगर डॉक्टर रितु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पे भी एफआईआर हो जा रही है मेरे पे, तो फिर ऑप्शन क्या है। हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग करी थी, आज कांग्रेस से शुरुआत करी है, हर विपक्षी दल के पास जाएंगे, इवन के अभी राष्ट्रपति जी के पास भी जाया जाएगा ठेला लेके, उनको भी पकौड़े खरीद के खाने हैं। इन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, शुक्र है इन लोगों ने डंडे नहीं मारे, तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये भगाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ओपन खुली बाहों से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, शुक्रिया। हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, अभी भी इस देश में उम्मीद बाकी है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज पीएचडी या पढ़ना, अब तो यही लग रहा है सोच समझ के, क्योंकि नौकरी तो वैसे ही नहीं है, और करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, तो देख के करना। इसीलिए तो जो पकौड़े बेच रही हूँ ना, जरा मेन्यू पढ़ लेना। हाँ, ये झुमले पकौड़े जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, झुमला ही तो कुछ मिल रहा है हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो ईवीएम से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज ईवीएम, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा था चुनाव से पहले, इसका मतलब उन्हें ये पता है, ये गाते रहे, लोग धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी है, या तो अपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं, तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। ईवीएम खेल खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे, इनका क्या है मुझे। तो मुझे ये लगता है इस चीज पे भी सबको साथ होकर आना चाहिए, जितने दबे कुचले प्रताड़ित शोषित लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, हम सब अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि सारी बैटल हम जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार में प्रोटेस्टर्स के माथे पे गोली मार दिए, चाहे रामपुर में देख लीजिए, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे 2 अप्रैल 2018 में देख लीजिए, जो भी आंदोलन करेगा उसके सर में गोली मारी जाएगी। वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्याय की बात करोगे तो ये सब चीजें होंगी आपके साथ, और अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो अंदर कौन है, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपके अंदर वो बैठे हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले को आप प्रोटेक्ट करके बीजेपी भी रखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ वॉशिंग मशीन, वट एवर यू हैव डन, जितना आप लोगों के साथ अत्याचार करोगे, हैरेस करोगे, तो आपको वहाँ टिकट मिलेगी, ये क्राइटेरिया होगा। 10 साल की मोदी सरकार का फलसफा, आपको एक पीएचडी स्कॉलर जो दलित है रितु जी, पढ़ लिख कर उन्होंने पीएचडी करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है, और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी देख पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है, मेरा विकास कहाँ है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूँ, और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का
दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। मैम दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं मोदी का परिवार 140 करोड़ की। डॉक्टर रितु सिंह मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? एक होनहार दलित बेटी जो अपने दम पर पढ़ी, स्कॉलरशिप से पढ़ी, पीएचडी किया, उसको आप जबरन षड्यंत्र के चलते नौकरी से निकाल देते हैं, क्या ये आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है? इस बारे में जवाब आज मोदी जी को देना पड़ेगा। मैम जो भी प्रदर्शन करता है उस पर आरोप लग जाता है कि राजनीति की जाए, क्योंकि इस सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही भी करार दे दिया जाएगा। महिला दिवस पे तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को 100 रुपए की एलपीजी। क्या एक महिला की सीमा, क्या एक महिला की हद, क्या एक महिला की औकात सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर है? इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस देश में हर घंटे 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। आप हर बार संरक्षण महिला के साथ उत्पीड़न करने वाले को देते हैं और महिला को 100 रुपए की छूट देते हैं। आप ही ने 400 का सिलेंडर 1100 करा है। अगर आज मोदी जी 100 रुपए की छूट पर बोलने आए हैं तो मोदी जी ने 700 रुपए कैसे बढ़ाया ये सिलेंडर, उसका भी ब्यौरा दे दें। मैम पीएम मोदी संदेश खाली तो चले जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष। मैं सिर्फ एक बात आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि रितु सिंह से मिले मोदी जी और मोदी जी 9 महीने हो गए, एक बार मणिपुर चले जाए। ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं पूरे देश का, हर राज्य में जा रहे हैं। मणिपुर उनका हवाई जहाज जब जाने लगता है 8000 करोड़ का नया वाला, तो उसमें ईंधन कम हो जाता है। धन्यवाद। सर क्या इसकी राजनीतिक मायने निकलते हैं, जिस तरीके से आज पीएसडी वाली का ठेला आप लोगों के ऑफिस पहुंच गया? मैं जब मुझे महमूद प्राचा जी ने एक इस तरह से शोषण हो रहा है, एक तरह से एक दलित लड़की जो काबिल है, पीएचडी कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी ना केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सके। एक भारत की बेटी को आज पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकौड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही है। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। इस मौका देंगे सर, सामने चुनाव है, डॉक्टर अजीत को इस मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें उनको वहां रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी 400 पार बोल रही है, वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी है। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी चाय। आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है। और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है। दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर, क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकोड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकोड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद प्राचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ। आए ना रितु सिंह को अपना परिवार माने ना पहले। उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत है, क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में जबकि संदेश खाली पे मोदी चले जा रहे हैं। कल आसाम जा रहे हैं, हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें
मोदी जी को मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बीजेपी लगातार ये वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है? आप सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो पीएचडी करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते हैं। ईरानी ने राहुल को चुनौती दी बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं, आइए ना इस रेडी पे खड़े हो जाएं, 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।